सो आई गेस अनदर साइड फ्रॉम Veggiepaaji और आज हम लोग आए हुए हैं नवरंगपुरा। तो अभी हम लोग आए हैं छापा मारने इसके कॉलेज में। कहेंद्रा कॉलेज इधर किधर है? उधर कहीं पे, वो उधर 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 कहीं पे है। तो यहाँ पे बेसिकली ये नवरंगपुरा एरिया जो है, दिस इज़ अ यूथ स्पेसिफिक एरिया। यहाँ पे कॉलेज के बच्चों के लिए, थोड़ा यंग ब्लड्स के लिए बहुत सारा लारी वगैरह लगी हुई है, जैसे आप अभी ये सब देख सकते हैं। और मेरे को शाश्वत बता रहा है, अभी तो यहाँ पे कुछ अभी पंगा चल रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये लोग ट्रैफिक जाम वगैरह कर देते हैं, वरना उधर से रोड से भी, वहाँ से वहाँ पे भी पूरी लारियाँ, पूरा लारियों से भरा रहता था। आज की वीडियो में बहुत क्रेजी चीज़ें खाने वाले हम लोग। मैगी पकौड़ा खाने वाले हैं, मैगी खाने वाले हैं, फ्रैंकी माने रोल खाने वाले हैं हम लोग चीज़ी फ्राइज़ खाने वाले हैं, सोडा पीने वाले हैं, आइसक्रीम खाने वाले हैं, एकदम जैसे कहते हैं ना शाम का चटपटा खाना रहने वाला है आज की वीडियो में। अभी हम लोगों ने अहमदाबाद में मीटअप भी करा था, मीटअप भी बहुत क्रेजी लगा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके मीटअप पे। बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपके कॉलेज, स्कूल, ऑफिस के बाहर क्या मिलता है शाम को, क्या शाम को चटपटा खाने निकलते हो आप लोग। ठीक है, नवरंगपुरा वाला एरिया पूरा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या है वहाँ पे। वीडियो स्टार्ट करें बिना किसी देर के इन 3, 2, 1 एंड फ्यू। वेज पनीर तो दिस इज़ हमारा फ्रैंकी, ये है पनीर शेजवान, बेसिकली रोटी है, इसके अंदर चीज़ डाला हुआ है, पनीर का कुछ तो डाला हुआ है, शेजवान कह रहा हूँ, पनीर मंचूरियन है, मंचूरियन तो पता नहीं कहाँ है, पर इसमें चीज़ है, मेयो है और अपना प्याज और आलू के चिप्स को क्रश करके डाला हुआ है। इसका प्राइस है 140 रुपीज़। सो वी आर स्टार्टिंग विद पनीर मंचूरियन फ्रैंकी, जिसके अंदर हम लोगों ने ये वाला ग्रेटेड चीज़, चूरा चूरा आलू का चिप्स का। पनीर की मैरिनेशन एकदम स्पाइसी है, चीज़ डाल के हल्का हल्का सा क्रीमी हो गया। और जिन लोगों को नहीं पता, पनीर भी ना एक टाइप का चीज़ है, उसे कहते हैं कॉटेज चीज़। तो थोड़ा कंप्लीट पनीर, थोड़ा आपका ग्रेटेड चीज़ और थोड़ा मेयोनीज की, जैसे कहते हैं ना गुस्ताखियाँ, उसमें मसालों का मेल बन जाता है एकदम बढ़िया फ्रैंकी। मैंने एक बहुत ही परफेक्ट जगह ढूँढी है कोका कोला पीने की, कोल्ड कोका पीने की, दिखाऊंगा, परफेक्ट है एकदम परफेक्ट। तो अभी हम लोग ने यहाँ से लिया है मोदी के अड्डे से मैगी लिया है। ये कोल्हापुरी मैगी देती है, इसमें क्या सब्जी पत्ता गोभी वगैरह ज़्यादा है और सेव रहता है। अच्छा, तड़का अलग लगाते हैं। तो अभी हम लोगों ने अपनी दूसरी चीज़ लिया, पास में आओ आप, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ये है कोल्हापुरी मैगी। इसके अंदर मैगी तो आपको दिख रही है ऑब्वियसली, इसमें पत्ता गोभी डली हुई है जो डिफरेंट है, जो नॉर्मल अपना चीज़ मैगी में होता है ना, प्याज टमाटर वगैरह वो सब तो है ही इसके अंदर। और जो इसके अंदर स्पेशलिटी है, उसमें सेव है और इसके अंदर स्पाइसी चटनी है। लेट्स ट्राई दिस। मैगी एक ऐसी चीज़ है जो छेड़छाड़ अलाउ करती है,
पिज़्ज़ा के साथ छेड़छाड़ करो लोग परेशान हो जाते हैं, आप छोले भटूरे के साथ या मोमोज के साथ छेड़छाड़ करो ना लोग परेशान हो जाते हैं, मैगी के साथ छेड़छाड़ करो ना लोग खुश होते हैं। आप चीज़ मैगी ले आए, वेजिटेबल मैगी ले आए, आप शेजवान मैगी, आजकल तो पाव भाजी मैगी, पता नहीं कल को तो आइसक्रीम मैगी भी आ सकती है, आ सकती है ना, बना सकते हैं लोग। अभी वो हम लोगों ने इंदू बहन खाकरा वाले से मैगी खाकरा लिया, गुज्जू लोग बहुत सरस थे। गरम गरम मैगी की सेटिंग में बस बारिश होने की कमी है, बारिश हो जाए तो मैगी का मज़ा और बढ़ जाएगा। और बारिश में एक और चीज़ बहुत पसंद आती है हम लोगों को, वो है पकौड़े। तो हम लोगों ने मैगी के एक और अवतार को ऑर्डर किया, मैगी चीज़ पकौड़े, जिसकी मेकिंग आप लोगों को अभी दिखाते हैं कैसे बनते हैं, पूरा अच्छे से आपको समझाते हैं कि मैगी चीज़ पकौड़े बनाने की विधि क्या है। ध्यान से नोट करिएगा, रीकैप नहीं आएगा, रीकैप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी रीकैप पीछे जाके देख सकते हैं, ऐसे करके देख लो हो ही नहीं पाएगा, पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। अच्छा भैया मैगी पकौड़ा भी, चीज़ मैगी पकौड़ा भी, पानी डाला, मैगी का चूरा बना के पानी डाला, ठीक है, पानी में से निकाल देने के 2-3 मिनट बाद। हाँ अच्छा, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए फिर आपको जो वेजिटेबल डालना है वो डाल सकते हो, ठीक है, वो भी जाने के अच्छे कम तो आते जाएगा। अच्छा अच्छा, इसमें लहसुन की चटनी आती है उससे एकदम तीखा रहेगा, स्पाइसी और सजा के डाल रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, मसाला आता है जो मसाला मैगी पाउच, स्वाद अनुसार तेल गरम करना है, मिर्ची डालनी है थोड़ी सी स्वाद अनुसार, नहीं झेलने के अनुसार, झेलने अनुसार मिर्ची मिक्स करना है, लेफ्ट हैंड चीज़, ओ अच्छा चीज़ वाली मैगी हमारी, चीज़ करना है, ठीक है, तो फिर एकदम वो ऐसे लिक्विड आएगा, नहीं ऊपर आएगा नहीं अंदर टेस्ट, नहीं वो अंदर, अच्छा अंदर टेस्ट आएगा, क्रीमी क्रीमी सा रहेगा, ये आपके गरम गरम तेल में मैगी पकौड़े। तो ये हम लोगों ने आज मैगी पकौड़े बनाने सीखे मोदी के अड्डे पे, मोदी का अड्डा ना, तो अभी हम लोग मैगी हम लोगों ने खाई ऐसे कोल्हापुरी मैगी। अब मैं आपको बता रहा था ना कि मैगी के ऐसी चीज़ है, आ जाओ जो निकलो अपनी दुकान समझो इन्हीं की है, तो मैं आपको बता रहा था ना मैगी इकलौती ऐसी चीज़ है जिसके साथ छेड़छाड़ ना लोगों को अच्छी लगती है, कि मतलब पराठा का ऐसे चीज़ पराठा बनाते हैं ना लोग बोलते हैं आलू पराठा ही सही रहता है, बट मैगी ऐसी चीज़ है जिसमें पीपल अप्रिशिएट कि वेराइटी आ रही है। तो अभी हमारे साथ पूजन है, पूजन भी हमारे एक व्यूअर है, पूजन को भी वीडियोज़ पसंद आती है, पैसा बहुत है अहमदाबाद में लोगों को। पूजन भी हमारे एक व्यूअर है, पूजन को भी वीडियोस पसंद आते हैं, तो मीटअप पे पूजा आए थे तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे आ गए हम लोग मैगी खाने। तुम तो यहाँ पे खाते रहते होगे, तो अभी हम लोग चीज़ मैगी खाते हैं, बेसिकली वही मैगी पकौड़ा, इसके अंदर चीज़, इसके बाहर चीज़, आगे पीछे सब जगह चीज़, बिकॉज अहमदाबाद, बिकॉज गुजरात काइंड ऑफ ना। ये एकदम ना चीज़ डालने से एकदम क्रीमी हो गया, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे को कोल्हापुरी वाली मैगी मैगी पकौड़ा से ज़्यादा पसंद आई, और उससे भी ज़्यादा पसंद आया वेज फ्रैंकी। वो फ्रैंकी तो, पर वो फ्रैंकी ऐसा एक बंदा लेना वो अकेले में पूरा ढेर हो जाएगा ना, हाँ पूरा डिनर में वो खा सकते हैं मतलब, पर वो डिनर भी ऐसे ही अच्छा खासा है वो, दैट हम 140 का पड़ा था, तो डिनर में या तो आप वो खाओ या कोई आप ऐसे ठीक ठाक गुजराती खा लो, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं, आपको एकदम ही यंगस्टर वाला फ्राइज खिलाते हैं, उस पर चीज़ पास्ता मखनी फलाना ढिमकाना सब डाल डूल के चेकआउट करते हैं। HL रोड है ये, यहीं पे यहाँ पे बहुत सारी लारियाँ लगी हुई है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, और यहीं से हम लोग सीधा जाएंगे ना तो आगे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे।
अभी हम लोग आए हुए हैं द बिग एफ में और हमारे साथ ऋत्विक है, पूजन का फ्रेंड ऋत्विक है एंड ऋत्विक इज अ प्योर जैनी। अभी आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे एंड लकीली हमें ऋत्विक मिल गए। तो अभी हम लोगों ने केले के फ्राइज लिए हैं जिसको बनाने में इन्होंने घंटे लगा दिए। ऐसे अब देख रहे हैं क्या शूट कर रहे हैं, अब घंटे लगाओगे तो ऐसे ही होगा ना। यहाँ पे नाचोस, बेक्ड बीन्स, मेयो और नीचे कहीं पे तो होंगे क्योंकि फ्राइज की दुकान है। तो खाना शुरू करते हैं। कौन खाएगा? मैं तो हाथ गंदे नहीं कर रहा इसको, मैं नीचे आऊँगा। आई विल नॉट स्टार्ट विद दिस। और बड़ा मेसी हो जाता है ना इससे खाना। ये रहा केला, मिल गया केला। मिल गया आधे घंटे का वेट करने के बाद इट्स एक्चुअली गुड और व्हाट? इट्स एक्चुअली गुड। उसकी शक्ल एकदम सीरियस हो गई। हाँ, यू कैन डिफर, यू कैन डिफर बिटवीन पोटैटो एंड नहीं। और एंड हाउ इज दिस साल्सा फ्लेवर? मैंने कभी सोचा नहीं था मैं क्या बोलते हैं फ्राइज और बेक्ड बीन्स को एक साथ खाऊंगा। साल्सा फ्लेवर, मैक्सिकन फ्लेवर, सही है, गुड एनफ, फाइन। चिप्स या How's your first experience with sweet potato fries? Good. You like this? Yeah. Coming back? Yeah. Maybe. Maybe. Of course. Of course. मेरे तो ये वाला है। तुम्हारा ये कौन? Roasted almonds. ओके, आई स्टार्ट विद दिस। ये दिस से ये के पटेल का आइसक्रीम है, बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पटेल आइसक्रीम में। यहाँ पे चीकू फ्लेवर की आइसक्रीम देखी और मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं। विचित्र फ्लेवर की आइसक्रीम आप खा सकते हैं, मतलब खाइए, आप इन्जॉय करिए पूरा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा कैजुअल छूट रहता है बहुत एकदम मस्त, आप भी खा सकते हैं, कोई ऐसा लगाम नहीं है। ये चीकू आइसक्रीम, मैं फर्स्ट टाइम चीकू आइसक्रीम खा रहा हूँ। मैंने कभी मैंने फर्स्ट टाइम जब चीकू शेक पिया था ना तो मेरे को लगा था मैंने कुछ एडवेंचरस करा है लाइफ में। फिर मैं चीकू आइसक्रीम खा रहा हूँ, फिर मैंने सोचा कि मतलब मेरे को और मतलब मेडल्स मिल रहे लाइफ में। दिस इज लाइक एकदम चीकू का हल्का सा जैसे होता दानेदार रहता है वैसा सा है, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट लाइक एकदम प्योर चीकू, लाइक हैवी क्रीम भी है और चीकू का दाना भी है। तो लाइक आइसक्रीम मतलब लाइक अ गुड ब्लेंड ऑफ दोस। हाय, कैसे हो? आओ बैठो। कौन सी आइसक्रीम खाओगे? कोई भी नहीं। तो क्या करने आए हो फिर? आपसे मिलने। अच्छा, कोई तो खाओ पक्का। तो कई बंदे ने हम लोगों को बोला पटेल की आइसक्रीम खानी बहुत ज़रूरी है, तो अभी हम लोगों ने ये वाली मंगवाई और हम लोग सब मिलके खा रहे हैं और हम लोगों को मज़ा आ रहा है। मोर देन 100 इयर्स पुरानी शॉप है। पर कई बंदे कोई आइसक्रीम नहीं खा रहा, क्यों? मैंने दवाई ले ली है इसकी। अच्छा ठीक है, बट गुड रिकमेंडेशन, थैंक यू। थम्स अप। एक किलो की कोई भी आइसक्रीम लो और आधा किलो फ्री। रात में क्राइम पेट्रोल देखते हुए मूवी, वो जैसे होता है ना पॉपकॉर्न की तरह। बकेट लेके कितनी कैलोरी होती है एक किलो आइसक्रीम में? एक किलो में नहीं, 100 ग्राम में 400, तो 4000 कैलोरीज। एक एवरेज बंदे को कितनी? 1600 कैलोरीज खानी चाहिए। 2000-4000 मतलब दो दिन का दो दिन के कैलोरीज। हाय निकुंज, कैसे हो? इज फ्रॉम मुंबई। तो अभी टाइम हो रहा है 11:42 और हम लोगों ने वीडियो शुरू तो ऑलमोस्ट लेट इवनिंग में करा था। अभी पता नहीं कैसे करते करते कराते कराते लोगों से मिलते मुलते और वो डेढ़ घंटा वहाँ पे, डेढ़ नहीं थोड़ा एग्जाजरेशन हो गया, आधा घंटा वहाँ पे जैन फ्राइज खाने के चक्कर में, और फिर हम लोग और एक दो और लोगों से मिले, वो करते कराते पता नहीं कैसे 3-3.5 घंटे निकल गए, वक्त का पता ही नहीं चला। और मेरे को लगा था ये बंद हो जाएगी, बट अहमदाबाद की नाइट लाइफ इतनी क्रेजी है ना, 12 बजे भी सोडा की दुकान खुली है ना, 2-3 बजे तक नाइट लाइफ चलती है ना। सैटरडे नाइट पे रौनक आ गई तेरे चेहरे पे, चलो आज सोडा पी के आते हैं। 1 sip, 3 in 1, 4 in 1, फलाना ढिमकाना टिंगड़ा टुकड़ा टिकटक टट्टा टडरा टेटी टेरोना। तो अभी हम लोग गांधी सोडा से, मैंने ये लिया है हाजमा हजम, बिकॉज आज की वीडियो में जितना खाना खाया है उसको हजम करने के लिए। इधर इन्होंने मोजिटो लिया, मोजिटो नहीं, अभी हम लोग अहमदाबाद में आ गए, ये दिस इज़ ओनली लुधियाना स्पेसिफिक।
तो हम लोग इसको मोइटो ही बोलेंगे, ब्लू लेगून मोइटो एंड जीरा मसाला सोडा, जीरा मसाला फलाना ढिमकाना। ये पुराना हो गया, बहुत पुराना है, एवरी चारा सा यू कैन फाइंड इट। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत खाना खाया हमेशा की तरह, ठीक है। मैं तन्मय फ्रॉम वेजीपाजी, अभी निकलता हूँ किसी और बढ़िया जगह की तलाश में, अभी तो सोने जा रहा हूँ ऐसे। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, बहुत क्रेजी खाना होने वाला है पहली ट्रिप में, और उसके बाद फिर वापस बैक होम। आओ जो आप लोग भी सब आओ जो क्या परी मड़ी इसको, तो और फिर से मिलेंगे आओ जो इतना कॉम्प्लिकेट मत कर, चलो आप लोग भी सब आओ जो